हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ 10 ऐसे फिल्मी अपडेट्स जो जिनका शायद से आपने सुना हो, नहीं सुना हो, सुना हो तो शायद आपको मैं उसमें डिटेल्स दे दूँ कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले वो जो लाइक बटन है ना, उसको थोड़ा कर्जर ले जाके दबा दो, बिकॉज जितना ज्यादा लाइक करोगे उतना ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा। और सब्सक्राइब कर दो तो सोने पे सुहागा। सो लेट स्टार्ट। पहला जो मेरा अपडेट है वो है कार्तिक आर्यन को लेके। कार्तिक आर्यन की नेक्स्ट फिल्म का टाइटल अनाउंस हो चुका है। नहीं, भूल भुलैया 3 नहीं, उसके बाद जो आने वाली है, वेल तृप्ति दिमरी के साथ में वो फिल्म करने वाले हैं आशिकी 3। बेसिकली उसको नाम दे रहे थे लोग, पर उसका एक्चुअल टाइटल जो है वो होने वाला है तू आशिकी है। और ये फिल्म पहले बहुत हैंकी पैंकी थी, होगी नहीं होगी, करेंगे नहीं करेंगे, बनेगी नहीं बनेगी, बट फाइनली ये फिल्म बन रही है। तृप्ति दिमरी इसमें कार्तिक आर्यन के ऑपोजिट है। एक और एक्ट्रेस होगी जिसका अभी तक अनाउंसमेंट नहीं किया है, बट सून वो भी हो जाएगा। दूसरा जो अपडेट है वो है पठान 2 को लेके। वेल, पठान 1 जितनी ब्लॉकबस्टर रही उतनी ही ज्यादा एक्सपेक्टेशन 2 भी लेके आएगी। और ये सडन अनाउंसमेंट आदित्य चोपड़ा ने किया है, एंड उनके वायरफ स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा है ये। और कहा जा रहा है कि पठान 2 इस साल के एंड में ऑन फ्लोर जाएगी, शूटिंग शुरू होगी, और हो सकता है हमें नेक्स्ट ईयर के एंड में करीब करीब हमें देखने मिले, प्रोबेबली आफ्टर वॉर 2। तो बट उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। आप सोच रहे होंगे कि पठान वर्सेस टाइगर का क्या हुआ। वेल, पठान 2 उस मोड पर ले जाएगा फिल्म को जहां पर मेकर्स पठान वर्सेस टाइगर का स्टोरी दिखाएंगे। तो ये उनकी 8वीं स्पाई फिल्म कह रहे हैं। तो पठान तो हो गई, टाइगर की 3 पार्ट हो गई, वॉर हो गया, एक आलिया भट्ट के साथ भी एक स्पाई यूनिवर्स में एक फिल्म आने वाली है, उसके बाद में पठान 2 का भी जिक्र है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ये जो फिल्म है ये बहुत सी चीजों को एक अलग डायमेंशन दे सकती है। तो वो देखने में बहुत मजा आएगा। एंड शाहरुख खान बैक विद पठान 2, तो क्या ही कहना। उसके बाद नेक्स्ट अपडेट है कियारा अडवाणी बनने वाली है डॉन 3 की हीरोइन। वेल, अब वो हीरोइन है, विलेन है, क्या है हमें पता नहीं है, पर अनाउंसमेंट हो चुका है कि रणवीर सिंह के साथ साथ कियारा अडवाणी भी होंगी इस फिल्म में। स्पेकुलेशंस तो बहुत ज्यादा है कि यार रणवीर सिंह कैसी एक्टिंग करेंगे, क्या करेंगे, पर मुझे पूरा भरोसा है उन पे, उनकी एक्टिंग पे, कि वो लोगों की बोलती बंद कर देंगे। लाइक ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है। और कियारा अडवाणी भी एक यूनिक चॉइस है। तो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत मेकर्स बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट की ये फिल्म बनाने वाले हैं। आई थिंक इट विल बी डिफरेंट देन द प्रायर डॉन सीरीज, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। फरहान अख्तर डायरेक्ट कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो तगड़ा करने ही वाले होंगे वो। उसके बाद नेक्स्ट अपडेट है रितेश देशमुख बनने वाले हैं हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी जयंती के दिन ही अनाउंसमेंट किया उन्होंने कि वो फिल्म को प्रोड्यूस भी करने वाले हैं अलोंग विद जेनिलिया एंड जियो स्टूडियोज। और मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर ये फिल्म रिलीज हो जाएगी। देखने में बहुत मजा आएगा कि इस फिल्म में ऐसा क्या है, बिकॉज संदीप सिंह ने भी शिवाजी फिल्म का अनाउंसमेंट किया है, जो नितिन गडकरी सर ने उसको लॉन्च किया था साथ में, फर्स्ट लुक लॉन्च। तो बहुत मजा आएगा देखने में कि किस तरीके की ये स्टोरी बनती है। रितेश देशमुख वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर्स इन बॉलीवुड, तो उनको छत्रपति शिवाजी महाराज के रोल में देखने में उतना ही एक्साइटेड हूं मैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ देवारा फिल्म जो आने वाली थी 5 अप्रैल को, अब वो आने वाली है 10 अक्टूबर को। अब कह रहे हैं कि VFX थोड़ा और इंटेंस उनको बनाना है, और उस हिसाब से उनको टाइम और चाहिए, कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। बट मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस तरीके का रिस्पॉन्स उनको टीजर में आया, वो नहीं चाहते लोगों के एक्सपेक्टेशन को डाउन करना, एंड दे वांट टू रेज द बार। तो चलो, जो होता है अच्छे के लिए होता है, होपफुली देवारा के साथ भी अच्छा होगा। जूनियर NTR हमारे वापस पैन इंडिया फिल्म में दिखेंगे, तो उसमें देखने में भी बहुत ज्यादा मजा आएगा। और हाँ, 10 अक्टूबर को देवा भी आ रही है शाहिद कपूर की, तो देवा वर्सेस देवारा क्या चलती है देखने में वो भी बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। उसके बाद अपडेट है पुष्पा 3 की। यस, 2 नहीं, 3 की। हमारे अल्लू अर्जुन साहब ने कह दिया है कि पुष्पा 2 तक हम रुकने नहीं वाले हैं, पुष्पा 3 भी आएगी।
तो एक छोटा सा अपडेट है, पर ये शायद आप लोग को एक्साइट करेगा, बिकॉज जब आप 2 देखोगे आपको ये तो कंफर्म हो जाएगा कि फिल्म एंड नहीं होने वाली है, फिल्म में कुछ ऐसा होने वाला है जहां पर 3 की एक झलकी भी हो सकती है। सो यस, लेट्स वेट फॉर पुष्पा 2 एंड देन फॉर द थर्ड वन। उसके बाद मैं तो ऐसे एसेट्स के रिलीज की बात करना चाहता हूँ जो अभी रिसेंटली हुए हैं। पहले है योद्धा का टीजर जिसका मैंने रिव्यू दिया है, और दूसरा है ऑपरेशन वैलेंटाइन का ट्रेलर जो सलमान खान और रामचरण ने अपने अपने लैंग्वेज में उसका रिवील किया था। वरुण तेज इस फिल्म में है और मनुष्री छिल्लर भी इस फिल्म में है। फाइटर का बहुत ज्यादा एक बोलते हैं ना फील दे रही है वो फिल्म, बट क्या करें, एयर स्ट्राइक पे फिल्म है और पुलवामा वो सभी है इन सब चीज में भी, तो मुझे पता नहीं कितनी अलग लगेगी, लोग कितना इसको सिमिलर मानेंगे फाइटर से। बट यार पठान फाइटर मुझे उतनी ज्यादा ही अच्छी लगी थी, तो आई एम होपफुल के ऑपरेशन वैलेंटाइन भी वैसी ही हमें लगे। सो यस, उसका ट्रेलर आया बहुत इंटरेस्टिंग है, आप जरूर देखना। एंड फिल्म के डायलॉग भी बहुत अच्छे हैं, हिंदी में भी है, तेलुगु में भी ट्रेलर रिलीज किया है सोनी पिक्चर्स ने, सो डू वॉच दैट। उसके बाद में मैं बात करना चाहूंगा एक और ऑपरेशन की, विच इज ऑपरेशन ट्राइडेंट। अब ये कोई ट्रेलर वेलर नहीं है, ये एक अनाउंसमेंट है विक्रमादित्य मोटवानी जिसने उड़ान दी हमें, जिन्होंने ट्रैप्ड फिल्म दी, जिन्होंने शानदार भी बनाई थी, तो उनकी फिल्म आ रही है जो वो प्रोड्यूस करने वाले हैं एंड डायरेक्ट भी करने वाले हैं। अब ये एक नेवी बेस्ड फिल्म है, अभी एयर स्ट्राइक और ये सब तो हमने देखा, एक नेवी बेस्ड फिल्म भी आएगी। 1971 वॉर पर आधारित ये फिल्म है, जब कराची पोर्ट पे इंडियन नेवी ने हमला किया था तो उस पे बेस्ड है। निखिल द्विवेदी इसमें उनके साथ प्रोड्यूस करेंगे फिल्म को, और क्या कहा जा रहा है कि अप्रैल इस साल ऑन फ्लोर्स जाएगी, एंड प्रोबेबली बाय एंड ऑफ अप्रैल या फर्स्ट प्रोबेबली बाय जैन 2025 हमें देखने मिल सकता है। लास्टली मैं कहना चाहता हूँ सलमान खान की एक फिल्म की अनाउंसमेंट ऑलमोस्ट, यू नो वो कहते हैं ना लक्ष्मण रेखा तक पहुंच चुकी है, वो है एआर मुरुगदॉस के साथ में फिल्म वो कर रहे हैं। अब एआर मुरुगदॉस कौन, जिन्होंने दरबार फिल्म बनाई रजनीकांत के साथ, पिछले साल 16 अगस्त 1947 बनाई थी, जिन्होंने गजनी बनाई थी, तो उनकी फिल्म वो डायरेक्ट करने वाले हैं। सलमान खान उसमें लीड एक्टर का रोल प्ले करेंगे और फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले हैं नादियादवाला। तो नादियादवाला ग्रैंडसन की फिल्म है, आई थिंक बहुत साल बाद सलमान खान के साथ में वो मूवी कर रहे हैं, एंड कहा जा रहा है कि 400 करोड़ के बजट में ये फिल्म बन रही है। तो आप सोच सकते हो कि ऑब्वियसली एक्शन पैक्ड फिल्म होने ही वाली है ये, एंड शूटिंग इसकी इंडियन एंड ओवरसीज होने वाली है, एंड बहुत टाइट शेड्यूल में ये फिल्म चलने वाली है। बाय एंड ऑफ दिसंबर तो कह रहे हैं कि फिल्म की शूटिंग तक हो जाएगी, तो मुझे ऐसा लगता है 2025 में हमें बाय जून, बाय ईद, वैसे तो मेकर्स बाय ईद कह रहे हैं, तो बट तब तक मेरे ख्याल से वो फिल्म आ जाएगी, तो वो भी बहुत एक्साइटमेंट से भरा होगा। अब आप सोच ही सकते हो 2025 में शाहरुख खान की फिल्म, सलमान की फिल्म, मतलब बड़े बड़े एक्टर्स की फिल्म आने वाली है, तो कितना एक्साइटमेंट से भरा 2025 होने वाला है। तो बट यस, दिस इज ऑल आई वॉन्ट टू से अबाउट द अपडेट्स जो अब तक के मेरे पास है रिगार्डिंग ऑल द फिल्म्स, ऑल द अनाउंसमेंट्स। बाकी आपको कोई अगर अपडेट मिली हो तो मेरे साथ प्लीज शेयर कीजिएगा, मुझे भी थोड़ा ज्ञान दे दीजिएगा। बाकी लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब हो सके कर दीजिए। टिल देन मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।